तो ऋषभ आया है क्लब में और अपना साइन कर रहा है, तो देखते हैं क्या कर क्या लिख रहा है इसमें। ओहो, पता है क्या ऋषभ? अरे वाह, कार्तिक लिख लोगे? नहीं लिख पाएंगे। जिम कर लो ऋषभ। तुम क्या करोगे कार्तिक? ऋषभ देखो जिम कर रहा है। तुम ये उठा लो, ये वाला छोटा वाला उठेगा, ये उठाओ ऐसे से करो। हाँ ये लोग देखो जिम करने आए हैं। मार मत देना, इधर आ जाओ। तो ऋषभ जो है गोलू के लिए आया था, लेकिन गोलू यहाँ मिला नहीं, तो कह रहा चलो देखते हैं क्या कर रहा है वो। तो अब लेके चल रहे हैं, गोलू को आए थे ढूंढने। अब फालतू मुझे परेशान करके रखा हुआ, बहुत रो रहा था तब मैं लेके आया हूँ इसको। कह रहा है पार्क में चलो, वहाँ खेलते हैं। चलिए लेके चलते हैं पार्क में। जाओ झूल लो कार्तिक, जाओ झूला झूल लो, जाओ। नहीं पार्क है, नहीं पार्क। ये कर लो जैसे ऋषभ कर रहा है। नहीं पार्क। नहीं आता क्या? डर रहा है कार्तिक, डर रहा है। कार्तिक फिर नीचे उतर। क्या हुआ, डर रहे हो क्या? धीरे से नीचे ला रहा है। डर रहा था ऋषभ, देखो कितना तेज कर रहा है। ऋषभ तो कर रहा है, तुम डर रहे हो। कार्तिक झूला झूल रहे हो क्या? अभी ये आए तो कह रहे पानी पीना, कम कलाकार नहीं है, बहुत परेशान करता है ये। तब आओगे नहीं ना? चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऋषभ को प्यास लगा हुआ है। तो जो फूलमाला जागरण में चढ़ा था, तो हम लोग जा रहे हैं नदी में, हिंडन नदी है, तो वहाँ पे हम लोग इसको डाल देंगे, क्योंकि इधर में काफ़ी दिन से पड़ा था, ज़्यादा दिन रहता है तो स्मेल भी करने लगता है। हम लोग पहुँच गए हैं, चलते हैं फूलमाला सब देख लेते हैं। तो हे फैमिली, सबको छोड़ के हम गांव जा रहे हैं और वंदा जी को यहीं छोड़ जा रहे हैं। तो चलिए इधर हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली स्टेशन पे। तो प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया हूँ, चलता हूँ छोड़ता। तो चलिए भाभी को बैठा दिए हैं ट्रेन में, सही बैठ गया है। तो थोड़ी देर में ट्रेन जाने वाली है, तो हम बैठा के इनको निकल लेंगे, क्योंकि जब तक हम वेट करेंगे तब तक हम पहुंच जाएंगे घर पे। तो चलिए हम चलते हैं, चलो बाय बाय प्रिंस, चलते हैं हम घर पे। हम जाएंगे अपने रूम पे, अमित मित्रों के घर पे नहीं जाएंगे, और कल फिर वो लोग आएंगे तो उनको पिकअप करके लेके आएंगे। फैमिली, भाभी को मैं ट्रेन में बैठा के और आ गया हूँ घर पर। घड़ी बज गए 11:30, और पूनम दीदी आने वाली थी, तो उनको बोला कि चलिए हमारे साथ, क्योंकि कल उनका ट्रेन है 4 बजे शाम को, और यहीं से पास में पड़ता है, गाजियाबाद से थोड़ा दूर पड़ता, तो तैयार हो रही थी। लेकिन फिर उनके बच्चे आर्यन वो सब रोने लगे कि नहीं हम यहीं से चलेंगे, उनको वहीं पे अच्छा लग रहा था।
बाकी मम्मी तो आ गई है विनय के घर पे, और भाभी जो वंदना की भाभी है उनका भी आने का मन था, लेकिन उनके जो हस्बैंड है पंकज उनका थोड़ा तबीयत सही नहीं था, बोले मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं कल ही आऊंगा। तो कल ही सबका प्लान है, तो कल सब लोग आएंगे और वंदना जी भी कल ही आएंगे, बच्चे भी कल आएंगे। ऋषभ भी रो रहा था, पापा मैं चलूंगा, मैं बोला मैं क्या करूँगा ले जाके, वहाँ चलोगे फिर यहाँ लेके आना पड़ेगा, तो कह रहा अच्छा मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आना, हम कहे चलो ठीक है। तो भाभी को बैठा के मैं रूम पे आ गया हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे मुझे खाना वहाँ से पैक करके मिला था, भाभी को भी मिल गया था, भाभी भी चली गई, और रात को उनका ट्रेन है, हमारी जो मामी की लड़की हैं प्रीति उनका वहीं गाजियाबाद से ट्रेन है, तो अमित चाहेंगे वहाँ पर बैठा देंगे और मैं चला आया हूँ। तो चलिए मैं बहुत तेज भूख लगा है, मैं खाना खा लेता हूँ, तो फिर मिलते हैं मॉर्निंग में। तो फैमिली आज दिन हो गया है संडे का और घड़ी में बज गए हैं 11, तो मैं नहा के रेडी हो गया हूँ, और जब मैं यहाँ पे आया था तो देख रहा था सारे जो पेड़ थे सब सूखने की कगार पे थे, खासकर ये तो जो गुड़हल का पेड़ हमारा हरा भरा था, और ये तुलसी जी का पेड़ देख सकते हैं सूख गया हुआ है, तो हमने आते ही तुरंत अभी सुबह पानी डाला, रात को पता नहीं पानी डालना चाहिए नहीं डाला, इसलिए मैंने रात को नहीं डाला है। तो अब चलते हैं, पहले फटाफट हम सनी के पेड़ में पानी डाल देते हैं, उसके बाद हम पूजा करते हैं, क्योंकि एकदम मिट्टी जो है ना एकदम सूखी सूख की तरह हो गया है, उसके बाद हम पूजा करते मिलते थोड़ी देर। तो ये हमारा सनी का पेड़ है, देख सकते हैं मिट्टी एकदम सूख चुकी है, तो पानी डाल देते हैं इसमें, गीला हो जाए थोड़ा पानी, तो पानी ही इनका ऑक्सीजन है, जल ही जीवन है, तो जल के लिए सब कुछ करते पूजा करते। तो हमने सब पेड़ में पानी डाल दिया, अब चल के पूजा कर लेती हूँ। तो मैं पूजा कर लिया हूँ, नहा के रेडी हो गया हूँ, अब थोड़ा रेस्ट कर रहा था, इतने में कोमल का फ़ोन आ गया, उन्होंने बोला कि जीजा जी आप घर पे ही हैं क्या, हम कहा हाँ यहीं पे हूँ, सुबह भाभी रात को भाभी को स्टेशन छोड़ा था, स्टेशन छोड़ने के बाद हम इधर चले आए, अमित बोले कि इधर चले आना, मैं बोला कि नहीं मैं वहीं रूम पर चला जाऊँगा, काफ़ी थक भी गया था, मैं बोला कि यहाँ रहूँगा तो आराम से सो जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर 3 बजे 4 बजे सो रहा था, यहाँ आके मैं 12 बजे सो गया और उठा 10 बजे, और उठ के पूजा पाठ नहा धो के रेडी हो गया हूँ, आराम कर रहा था, कोमल ने फ़ोन किया तो बोला कि जीजा जी आ जाइए यहीं पे, मम्मी भी यहीं पे हैं, तो बोले कि खाना ना खाएं, हम बोले कि नहीं जा रहे थे बाहरी खाने, तो बोले कि आ जाइए बनाए हैं यहीं पर खा लीजिए, हम कहे चलो ठीक है आ रहे हैं। अब विनय का चार्जर भी वहीं छूट गया था, तो आईफोन का चार्जर है, और काफ़ी प्रॉब्लम होता है आईफोन का, अगर चार्जर छूट जाता है कहीं भी तो चार्ज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो लेके जा रहा हूँ ये देने भी, तो बोली है कि चाय पिए, हम कहे नहीं चाय कुछ नहीं पिए, तो पानी पिए कि चलिए, तो बोली कि आ जाइए यहीं पे, हम चाय नाश्ता सब कुछ करा देते हैं, हमें चलो ठीक है आ रहा हूँ, तो चलते हैं कोमल के घर पे मिलते थोड़ी देर में। तो हम आ गए विनय के घर पर, उनका चार्जर छूटा था, चार्जर को जो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, चार्ज कैसे किए होंगे, तो ड्यूटी पे गए थे तो वहीं पर अपना ये चार्ज किए हैं, और तो मैं बोला कि चलो इनको चार्जर दे देता हूँ, मैं बाहर जाके मैं सर चार्जर दे के मैं बाहर जाके खा लूँगा, तभी कोमल का फ़ोन आ गया था कि आ जाइए जीजा यहीं पे खाना ना बनाए, तो देख सकते हैं चाय नाश्ता हो गया है मेरा, उसके बाद मम्मी भी आई है, और आपका तो अभी का सुबह सुबह नहा के रेडी हो गई है, उनकी मम्मा तैयार कर रही हैं, तो काजल खो गया था उनका, ये वाला लगा दे तो पार लो ना, पार आ जाता है ना वो, वही निकाल लो, नहीं तो जिसमें पार थे वही गिर गया है ना, मतलब काजल था, तो इनसे ले लेना, सुनाची मम्मी रखी रहती है, हाँ निकाल लो, बटन ना से निकाले नहीं निकला, बहुत निकाले नहीं निकला, हमारा गिरता ना वो क्या करते ना, वो पाइपिया होता ना पर्दा वाला, वही निकाल के निकालते हैं, काजल लगा रही है, देख सकते हैं। नहीं जल्दी बच्चे ऐसे ही होते हैं, पहले छोटी थी वो अच्छे से लगवाती थी, पापा आ गए, पापा परसों लाया है क्या, लगवा लो, आया तो पता नहीं चलता यार।